उस तो बाद फिर असी फैसला लिया के इन्हों छो आप मरण मरते बैठो हूँ CMD का जो जी किया उदो आ जाए सरकार का जो जी किया उदो मंग मन ले नहीं मननी तो ना मने ये हूँ सरकार की मर्जी से खड़िया गल के CMD गैब ही हो गया गैब होना होर गल है फोन ही बंद कर लिया कहते जिमें अधिकारी दसते हैं कि साढ़े ना फोन से गल ही नहीं हो रही तो CMD कोई एड्डी बहुती ताकत नहीं होंगे जोड़ा टैलीफोन से गल ही ना करे सरकार का इशारा ही है कि यह जोड़ा असी वायदे किए तो हम अभी भजना या मुकरना है लोगों मतलब सिर्फ लॉलीपॉप दिता सो असी पूरा नहीं कर सकते तो वो इशारों के उत्ते ही ये मतलब भजे मोर्चे की टीम बैठ के मीटिंग करती रहेगी योजा फैसला बदलना की लड़ लेगी बदलेगी लेकिन जोड़ा मरण मरता वो जारी है तो जारी रहेगा मुड़ मरण वर्तते बैठी किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल पटियाला पावरकॉम दफ्तर अगे लगाया गैर सियासी जथेबंदियां ने धरना जी हां किसान अपनियां मंगा नू लेके एक बार फिर सरकार दे सामने अड़ गई ने बीते दिनी संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी वालों पटियाला पावरकॉम दफ्तर मूहरे धरना लगा दिता गया नाल ही किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल अते उन्हां दे नाल सांझे मोर्चे दे कई सियासी आगू भी मरण वर्त के बैठ गए ने इस दरमियान उन्होंने सरकार नूं चेतावनी दी है कि जदों तक साडियां मंगां ना मनियां गईयां तां साडा मरण वर्त जारी रहेगा भावें इस दे लई जिन्नियां मर्जी कुर्बानियां क्यों ना करनियां पैण देखो गल ये है सरकार दी लोकां प्रति या पावरकॉम दी लोकां प्रति जिन्नी सीरियसनैस असीं देख रहे हां जिस दिन साड़ी मीटिंग हुई 25 तरीक नूं कमिटड सी सरकार साडे नाल कि इन्हां नूं बुलावांगे लेकिन पावरकॉम नहीं गया उत्थे मीटिंग दे विच ते जे पावरकॉम मीटिंग दे विच नहीं जांदा तां सानूं शंकी उदों ही जाहर होने शुरू हो गए सी कि ये मन्नियां जा चुकियां मंगां तों भज्जण दा इक इन्हां दा मन बन चुकिया उन्हां तों भज रहे ने हुण सवाल यह है कि चैनलों के उत्ते बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंसा दे विच बोल के असीं लोकां दीआं मंगां मन लिया और चंगे बन के कहिंदे जी देखो असीं तां मंगां मन लिया सारियां मंगां किसानां दीआं मन लिया ते जे उन्हां नूं लागू करन दी गल आई है तो उत्ते टाल मटोल की नीति अख्तियार की जा रही है तो फिर स्पष्ट है कि सानूं इहदे ते कोई ना कोई सख्त एक्शन लेना पैना सी उहदे चों साडा सीगा कि एक दिन असीं वड्डा कट करो इत्थे बहुत वारी होया कट करदे रहे हां हमेशा जिहड़ा चेयरमैन हुंदा सी उहदा इही हुंदा सीगा कि मतलब किसानां नाल बैठ के गल करदा गल करके जिहड़े मसले हल आप कर सकदा आप करदा बाकी जिहड़े मसले सरकार तक जाण वाले हुंदे उहनां नूं सरकार नाल चर्चा करदे लेकिन इत्थे इदों भी वड्डी मतलब माड़ी गल होई होई कि CMD गैब ही हो गया गैब होना होर गल है फोन ही बंद कर लिया कहिंदे जिवें अधिकारी दसदे ने कि साडे नाल फोन ते गल ही नहीं हो रही तो CMD कोई एड्डी बहुती ताकत नहीं हुंदा जिहड़ा टैलीफोन ते गल ही ना करे ये सरकार दे अंडर ने सरकार का इशारा ही है कि यह जोड़ा असी वायदे किए तो हम अभी भजना या मुकरना है तो ये साडे कोले लोगों मतलब सिर्फ लॉलीपॉप दिता सीगा वो असी पूरा नहीं कर सकते तो वो इशारों के उत्ते ही ये मतलब भजे है जो उदू माड़ी गल हुई कि असी 3 बजे बैठे हाँ जाम लाया गेट बंद किए ने 3 बजे तक इन्हों का दफ्तर का टाइम है 2 बजे तक कुछ मुलाजमान लड़कियों इन्हों के दफ्तर के अफसर ने मन के बिठा रखा भी तुम कम कंप्लीट करो और रहा बाकी कम करो इन्हों फिक्र नहीं गया बाकी कुड़ियां बैठिया तो पसाई बैठिया से उन्होंने वो बेचारिया अंदर फस गई इधरों जाम लग गया भाई इन्हों का घराओ हो गया जिस वेले घराओ होंदा है उदू बाद लड़कियां ने बेचारिया ने बहुत बारी इन्हों का तालमेल किया अफसर ने तालमेल किया तो गैर जिम्मेवार कार्रवाई करद्या CMD ने आके इतने गल करनी बरात 11 बजे तक वाजब नहीं समझी।
और उन्होंने हालातों के जो असी इतने आते तो लड़कियां बेचारिया सानू साड़ी जान नू रोंदियां सी कि अंकल जी सानू छड्डो सानू जान दिओ घर नू, तो सानू भी कितने ना कितने दर्द लगता सीगा कि धीआं साड़ियां ही ने, जन्म चाहे कितने भी लिया वा धीआं तो साड़ियां ने, पर हुण उह आवे उह 605 दे विच कुछ समा उन्हां नू परेशानी भी होई होएगी, उस तो बाद फिर असी फैसला लिया कि इन्हां नू छड्डो आपां मरन वरते बैठो। हुण CMD दा जदों जी कीता उदों आ जाए, सरकार दा जदों जी कीता उदों मंग मन ले, नहीं मननी तो ना मने, ये हुण सरकार दी मर्जी ते खड़ियां गल्लां, तो इस करके मरन मरद दा स्टेप सानूं तां चकना पिया और वह मोर्चे ने फैसला लैके चक्या और उन्नी देर तक साडा इह जारी रहेगा जिन्नी देर तक सरकार इन्हां मंगां नूं लागू नहीं करदी। ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਗੇਟ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਗੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਮਰਦਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ अपील की जा रही है कि हौली हौली किसाना दियां सारियां मंगा नैतिकता दे आधार ते हल कीतियां जाणगियां, पर मंगा पूरियां ना हुंदियां वेख के किसानां ने एक बार फिर सड़कां ते धरना लगाना शुरू कर दिता है। D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी पख दे मुद्दियां दी गल, सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। 5 जून तो लैके आ रहे हां तुहाडे भरोसे दे साथी D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट। सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष रहां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोस चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।